नमस्कार, इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। संजय मिश्रा और नीना गुप्ता स्टारर अपकमिंग थ्रिलर फिल्म वध का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। मेहरौली में हुई श्रद्धा हत्याकांड के बाद संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की इस फिल्म का ट्रेलर दिल दहलाता नजर आ रहा है। फिल्म वध का 2 मिनट 41 सेकंड का ये रोमांचक थ्रिलर ट्रेलर सांसें थाम देने का दम रखता है। इस फिल्म बॉलीवुड के दो दिग्गज कलाकार पहली बार एक साथ और झकझोर देने वाली कहानी के साथ नजर आ रहे हैं। फिल्म के इस ट्रेलर ने दर्शकों को पूरी तरह से बांध दिया है। संजय मिश्रा पहली बार स्क्रीन पर इस तरह के किरदार में नजर आने वाले हैं। ट्रेलर में संजय मिश्रा और नीना गुप्ता ने हर फ्रेम में दर्शकों को हैरान कर दिया है। दर्शक ये बात खुद कह रहे हैं कि ट्रेलर उम्मीद से कहीं अधिक साबित हुई है। जहां संजय और नीना के किरदारों में बहुत अधिक मासूमियत है, वहीं उनसे एक ऐसा अपराध हुआ है जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते। हालांकि इस अपराध के इर्द गिर्द की कहानियां दिलचस्प नजर आ रही है। वध के बारे में बात करते हुए एक संजय मिश्रा ने कहा, एक अभिनेता के रूप में मैंने कभी भी इस तरह के किरदार की कल्पना नहीं की थी, वो भी नीना जी के साथ। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूँ कि दर्शक फिल्म पर कैसे रिएक्शन देंगे। नीना गुप्ता इसे लेकर कहती हैं कि वध एक बहुत ही दिलचस्प थ्रिलर कहानी है और मैंने इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अच्छा समय बिताया है और बहुत कुछ नया सीखा है। ये कहानी जैसी दिखती है उससे कहीं ज्यादा है और दर्शकों को ट्रेलर देखने के साथ साथ फिल्म को भी बेहद एंजॉय करेंगे। वध राजीव बरनवाल और जसपाल सिंह संधू की तरफ से लिखित और निर्देशित फिल्म है। फिल्म का निर्माण जे स्टूडियोज और नेक्स्ट लेवल प्रोडक्शन की तरफ से किया गया है। फिल्म को लव फिल्म्स के लव रंजन और अंकुर गर्ग द्वारा निर्मित और प्रस्तुत किया गया है। ये फिल्म 9 दिसंबर 2022 को बड़े पर्दे पर रिलीज की जाएगी। देखना होगा कि ये फिल्म दर्शकों को कितनी पसंद आती है। एंटरटेनमेंट से जुड़ी हर जानकारी हम आप सभी तक साझा करते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट। धन्यवाद।